हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ठीक है, आप सब्जेक्ट कर रहे सी लाइब्रेरी रिसोर्स एंड आर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो पहला मैं सत्त वीडियोज़ जोड़े है सत्त लैक्चर आपके इस जो पर्टिकुलर पेपर है उसते शेयर कर चुकी हाँ। अज आप एट्थ लैक्चर शुरू करा जिद कैटालॉगिंग लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी सूचीकरण करना है। वीडियोज़ अपनी स्टूडेंट थोड़ा डिले हो गया सी जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। हूँ एग्जाम है जोड़े ऑलमोस्ट खत्म हो गया सारिया क्लासेस से। वी आर बैक ऑन आवर वर्किंग, वी आर बैक ऑन आवर सब्जेक्ट। ठीक है, उस ही इंथ्यूजियाजम आप इस सब्जेक्ट दोबारा तो शुरू कर रहे हैं। लैक्चर नंबर 8 है। एक बार थोड़ा जहा फीडबैक लिए जो पुराने लैक्चर है उन्होंने थोड़ा जहा गो थ्रू हो लियो ताकि थोड़ा एक प्रॉपर जोड़ा लिंक बन जाए लैक्चर्स नाल। तो वीडियो देखते रहो, वीडियो देखते हो, लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले। कैटालॉगिंग लाइब्रेरी सूचीकरण। द वर्ड कैटालॉग कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कैटालॉगोस। कैटा मीन्स अकॉर्डिंग एंड लोगो मीन्स ऑर्डर। अकॉर्डिंग अनुसार, ऑर्डर कारण, मतलब किसी चीज़ में जो आप एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं, एक रिकॉर्ड के तौर पर करते हैं, दैट इज़ नॉन एज कैटालॉगिंग। सो इस तरह कैटालॉग एक अजिहा कार्य है जिस द्वारा दस्तावेज का रिकॉर्ड उची ढंग तरतीबबंद किया जाता है। मतलब एक वधिया तरीके जो आप किसी चीज़ को समरीराइज करते हैं ना, एक चीज़ की पूरी डिटेल लिख लेने, एक चीज़ पूरा ऑर्डर बना लेने भी मैं पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर यह है, थर्ड नंबर पर यह है, तो उस तरतीब उस काम को तुम परफॉर्म करते हो, दैट इज़ नॉन एज कैटालॉगिंग। अ लाइब्रेरी कैटालॉग इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, बुक्स, पीरियोडिकल, मैप एक्सेट्रा। जो आप लाइब्रेरी भाषा से गल करते हैं, लाइब्रेरी कैटालॉग्स की होंगे, वह जो डॉक्यूमेंट होंगे जिन्हें लाइब्रेरी के जिन्हें बुक्स रखी गई हैं, जो भी पीरियोडिकल रसाले वगैरह आते हैं या मैप्स वगैरह है, पूरी उन्हों की इन्फॉर्मेशन इस कैटालॉग के स्टोर की जाती है भी की चीज़ा जी लाइब्रेरी के स्टोर की गई हैं। अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, ऑर्डरली अरेंज इन अ हैल्पफुल ऑर्डर। तो इन्हों अरेंज इस तरीके किया जाता भी थोड़े लिए हैल्पफुल हो। कैटालॉगिंग का मकसद ये होंगे भी लाइब्रेरी के जिन्हिया भी चीज़ा पी हैं, तुम कैटालॉग से देखिए भी कि चीज़ कितने पी है, उस चीज़ को पॉइंट आउट किया, फाइंड आउट किया, उस बुक को पढ़िया, रीड किया, वापसी उत्थे रखता। तो कैटालॉगिंग बुक्स में एक तरतीब तरतीबबंद ढंग के अनुसार एक ऑर्डर लगाने अपनी जी हैल्प करती है। तो नेक्स्ट चाहिए फंक्शन, फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। नाउ वी आर सीइंग व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन अ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग इज परफॉर्मिंग। फर्स्ट वन इज लेखक पहुंच, ऑथर अप्रोच। जिहड़ी कैटालॉगिंग है इट कैन हेल्प टू रीच टू द ऑथर्स थिंकिंग लैवल। ठीक है, कैटालॉगिंग अपन ऑथर के एक जो पहुँच लैवल होंगे ना, लेखक पहुँच मतलब कि थिंकिंग लैवल किस तरह के ऑथर का किस अकॉर्डिंग अरेंज किया गया उन्होंने तक पहुँचने हेल्प करता है। हम जो कैटालॉग बनाया जाता ना, उन्हें प्रॉपर मतलब बुक्स के नाम, बुक्स के नाल उन्होंने राइटर्स के नाम, जो आप एक बुक अपन पता भी मैं ये लैनी है ना, तुम राइटर का नाम थोड़े को फाइंड आउट होंगे, तो उस राइटर तक पहुँचना अपन सौखा होता। कई बार अपन राइटर के नाम पता होंगे, बुक के नाम नहीं पता होंगे, तो आप कैटालॉगिंग उन्होंने चीज़ों बहुत ही ईजली तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज पुछ गिछ दे रस्ते, चैनल्स ऑफ इंक्वायरीज। कैटालॉगिंग विल हेल्प यू टू इंक्वायर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर इन द लाइब्रेरी, ऑल काइंड ऑफ बुक्स दैट आर स्टोर इन द लाइब्रेरी। तो मतलब एक ही है, एक इंक्वायरी के तौर पर काम करता है कैटालॉग। मतलब तुम किसी किस्म के किसी राइटर की तुम्हें बुक चाहिए है, किसी पर्टिकुलर बुक का तुम्हें नाम पता है, ठीक है, या नंबर ऑफ पेजिज या कुछ भी, एनीथिंग यू नो अबाउट द बुक, तो वह जहाँ तुम्हें मतलब कुछ चीज़ नहीं पता, यू वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग, तो वह भी तुम पुछ गिछ के रस्ते अपना अकाउंट खोल देना है। जी लाइब्रेरी की कैटालॉगिंग है दैट विल ओपन ऑल द चैनल्स ऑफ इंक्वायरीज। थर्ड वन इज विशा पहुँच, सब्जेक्ट अप्रोच। उस तो इलावा विशा पहुँच, तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के उत्ते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उत्ते सर्चिंग करना चाहते हो, तो कैटालॉगिंग विल बी अ बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कैन बी हेल्प यू टू फाइंड आउट ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्टिव बुक्स दैट कैन बी स्टोर इन द लाइब्रेरी। तो एक विशा तुम्हें पहुँचने जोड़ा है कैटालॉगिंग ऑलसो वेरी हेल्पफुल। फोर्थ वन इज दस्तावेजों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। कैटालॉगिंग विल हेल्प यू टू नो अबाउट हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर इन द लाइब्रेरी। किन्ने डॉक्यूमेंट एक तुहाडी लाइब्रेरी दे विच स्टोर है, कि उन्होंने कि डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी हैगी है, कि अवेलेबिलिटी नहीं हैगी, ऑल काइंड ऑफ इनफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन द कैटालॉग। कैटालॉग के दस्तावेजों की जिनी भी उपलब्धता है वो सारी इनफॉर्मेशन मिलेगी।
फिफ्थ पॉइंट इज संचार कार्ज कम्युनिकेशन फंक्शन। उस तो इलावा तुसी किस तरह किसी बुक के विच इनफॉर्मेशन जिहड़ी है फाइंड आउट करके दूसरी बुक नाल उहनू रिलेट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, या उन्होंने पढ़ के किस तरह अपने विचारों नू दूसरे नाल साझा कर सकते हो, वह भी तुसी कैटालॉग द्वारा बहुत ही ईजी वे नाल कर सकते हो। सिक्स्थ दस्तावेजों की स्थिति लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हूँ कैटालॉग की है जस्ट लाइक अ मैन्यू जिहड़ा कि तुहानू दसदा है भी मान लो तुसी कैटालॉग दे विचों कोई राइटर फाइंड आउट कर लिया, बुक का नेम फाइंड आउट कर लिया, नाउ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द लोकेशन इन विच अलमीरा दैट पर्टिकुलर राइटर्स बुक्स आर स्टोर, तो कैटालॉग दे विचों तुहानू प्रॉपर अलमीरा का नंबर ईवन ऑन विच सेल्फ द बुक्स आर अरेंज वह भी तुहानू दिता हुंदा है, तो तुहानू दस्तावेजों की स्थिति उन्हां दी लोकेशन जानने दे विच जिहड़ा तुहाडा कैटालॉग है वह काफ़ी हैल्पफुल साबित हुंदा है। सेवंथ पॉइंट इज ग्रंथात्मक सूचना बिबलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। उस तो इलावा मतलब बिबलीग्राफिक इन्फॉर्मेशन मतलब एक होंगे ना एक कंप्लीट रेफरेंस दी होंगी है जिसे आप एक कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट्स करके भी दसी जाते, तो इस तरह की जी ग्रंथात्मक सूचना जी एक पूर्ण संपूर्ण सूचना जिन्होंने आप कह दें एक पूरा वह राइटर वो बुक की लोकेशन एक मतलब पूरा फुल फ्लैश आप कैटालॉग के सिस्टम जोड़ा वो प्रोवाइड किया है। लास्ट पॉइंट इज संदर्भ साधन रेफरेंस टूल। इवन द रेफरेंस बुक्स आर ऑलसो अवेलेबल ऑन द कैटालॉगिंग, जिहड़ियां बुक्स लाइब्रेरी दे विच अवेलेबल नहीं हैगियां बट द बुक्स आर ऑलसो ऑफ द गुड राइटर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, तो उत्थे एक रेफरेंस भी दिती हुंदी है, उन्हां रेफरेंस दे विच उन्हां रेफरेंस नूं फॉलो करके यू कैन फाइंड योर टॉपिक्स इन अ ईजी वे। ठीक है, उन्हां रेफरेंस टूल के थ्रू तुसीं उन्हां बुक्स नूं कितों मतलब उस प्लेस तो नहीं मिलदी तो कितों होर प्लेस तो जिहड़ियां हैगियां फाइंड आउट ईजी वे नाल कर सकते हो। उस तो बाद आया फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, लाइब्रेरी सूची के रूप। आप देख लिया कैटालॉगिंग की होंगे ने फंक्शन देख लिया, नाउ वी आर टाइप नो अबाउट द टाइप्स ऑफ द लाइब्रेरी कैटालॉगिंग। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, फर्स्ट वन इज फिजिकल आउटर फॉर्म ऑफ द लाइब्रेरी कैटालॉग एंड इंटरनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, जिन्हों भौतिक बाहरी रूप आउटर इंटरनल मतलब अंदरूनी रूप, बाहरी रूप से अंदरूनी रूप बारे आप देखेंगे। भौतिक बाहरी रूप में की है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑन रजिस्टर एंड ऑन कंप्यूटर, जिहड़ा देखो भौतिक बाहरी रूप है जिहदे विच फिजिकल आउटर ऑफ फॉर्म ऑफ द कैटालॉग है, इहदे विच की है कहिंदा प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जांदा, एक प्रॉपर रजिस्टर लग्या होया है, या एक प्रॉपर जे आपां टेक्नोलॉजिकल फील्ड नाल जुड़े होए हां तां एक प्रॉपर कंप्यूटर अरेंज किया होया है जिहदे विच प्रॉपर बुक्स की इनफॉर्मेशन है, प्रॉपर राइट की इनफॉर्मेशन है, किहड़ा बंदा कदों बुक नूं लैके गया है, उन्होंने इशू की है, कि डेट तो वापस लाने हैं, कितना उन्होंने फाइन चार्ज करना है, ये ऑल काइंड ऑफ इनफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। द मीडिया कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्टोर्ड ऑन द रजिस्टर, इट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, इट डिपेंड करता है भी तुसी किस तरह के जो साधन है वो यूज कर रहे हो। तो जी भौतिक बाहरी रूप है फिजिकल आउटर रूप है उस आप देख लिया भी रिकॉर्ड प्रॉपर मेनटेन करके रखा जाता है। इट इज़ ऑलसो फर्दर डिवाइड इन टू टू पार्ट्स, परंपरावादी जिन्हों जिहड़ा कन्वेंशनल कहा जाता है एंड गैर परंपरावादी जिन्हों मॉडर्न कंप्यूटराइज फॉर्म कैटलॉग। तक परंपरावादी के लै लोगे जी आप रजिस्टर की गल कर रहे हैं, रजिस्टर वर्क हो गया या तुम किसी मैनुअल सिस्टम हाथ न लिख के कितने रिकॉर्ड बना रहे हो वो तो की है कन्वेंशनल फॉर्म है। मॉडर्न फॉर्म की है, मॉडर्न फॉर्म के यू आर स्टोरिंग यूर ऑल काइंड ऑफ इनफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइब्रेरी इन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के स्टोर कर रहे हो, यू कैन यूज यूर टैब्स इन एनी अदर अनदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनी अनदर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यू कैन यूज इट कम इन द मॉडर्न कंप्यूटराइज फॉर्म ऑफ कैटालॉगिंग, जिन्होंने आप गैर परंपरावादी फॉर्म कह दें। तो ऑन द अदर हैंड द सैकेंड फॉर्म इज अंदरूनी रूप, जिन्हों आप कह दें इंटरनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग। जब जो अंदरूनी की गल आ जाती है, अंदरूनी आप समझते हैं अंदरला हिस्सा, ठीक है, इंटरनल फॉर्म, तो अंदरूनी के होंगी है पढ़न समगरी की खोज, मतलब ये कि आप पढ़न समगरी की खोज करते हैं बाय यूजिंग अ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, आप लाइब्रेरी के अंदर घुस गए हैं। ठीक है, जो भी थोड़ा सब्जेक्ट मैटर तुम लिख के लैके आए हो, वी आई वॉन्ट टू फाइंड द इनफॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, तो तुम उस कैटालॉग यूज करके तुम आपके टॉपिक न रिलेटेड थोड़ा कि राइटर है कि बुक तुम्हें चाहिए है, यू कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ इनफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर कैटालॉगिंग। एने विच भी अपने को दो ही रूप होंगे हैं, कन्वेंशनल परंपरावादी एंड देयर इज अ मॉडर्न दैट इज नॉन एज गैर परंपरावादी। इन द सेम वे कन्वेंशनल यू कैन गॉट लाइक ऑथर नेम, बुक नंबर एक्सेट्रा, दिस काइंड ऑफ इनफॉर्मेशन यू कैन फाउंड ऑन द रजिस्टर कि बुक कि राइटर ने लिखी है, ठीक है, उस बुक का नाम की है। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न के होगा उ रिकॉर्ड होगा उ ऑथर नेम, बुक नेम या एनी काइंड ऑफ अदर रिलेटिड इनफॉर्मेशन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर बुक, लेकिन वो की है बस एक कंप्यूटराइज
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਬੁੱਕਸ ਔਨ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਟੋਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਡਾਊਟ, ਲੀਵ ਯੋਰ ਡਾਊਟ ਔਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।